हेलो दोस्तों, आज ये वीडियो के अंदर आपको देखूंगा जो मार्केट का लोकल चाइना किट होता है, जो नॉर्मल सा सीआरटी टीवी किट होता है। और सबका पता है कि अल्ट्रा स्लिम जो टीवी किट वो अलग होता है, उसका अंदर अलग से सेक्शन रहता है, और नॉर्मल जो टीवी किट उसका अंदर वो सेक्शन नहीं रहता है। ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए, आपको वीडियो के अंदर जो देखूँगा कि नॉर्मल सीआरटी टीवी किट को कैसे अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब के अंदर यूज़ किया जाता है। आज आपको 21 इंची अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब पर इंस्टॉल करके देखूंगा सिंपल तरीका से, किस तरीका आपको यूज़ करना पड़ेगा, कौन सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगा, बट आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा क्योंकि वीडियो के अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो आप छोटा सा गलती करेगा तो, और आपका मन मर्जी आप मॉडिफाई करेगा तो, हो सकता है कि आपका पिक्चर ट्यूब खराब हो सकता है। ठीक है, ये बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिस तरह मैं आपको देखूंगा, आपका पिक्चर ट्यूब का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए, मैं बिना टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ, चलिए मैं वीडियो पढ़ ले चलता हूँ। दोस्तों, ये जो लोकल चाइना की, तो दोस्तों ये अल्ट्रा स्लिम टीवी किट नहीं है, बट ये लोकल चाइना किट को अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब पर कैसे लगाया जाता है और लगाया जाता है कि नहीं, ये वीडियो आप लास्ट तक वॉच कीजिए। वॉच करने के बाद पता चल जाएगा। अब देख सकते हो मेरे पास एक अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब है, वो भी दोस्तों 21 इंची का। ठीक है, तो ये जो अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब है, इसका अंदर मैं ये जो नॉर्मल सा टीवी किट इंस्टॉल करके देखाऊंगा पूरा जो काम करना चाहिए। तो फर्स्ट आपको देखाऊंगा कि ये नॉर्मल किट, ये नॉर्मल तरीका से लगाने के बाद क्या इसका अंदर पिक्चर प्रॉपर आएगा कि नहीं, ये आपको एक बार देखाऊंगा, और उसके बाद कैसे इसको मॉडिफाई किया जाता है ये भी आपको वीडियो के अंदर दिखाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। बीच बीच में और कुछ क्लियर करूंगा कि कुछ जो अलग प्रॉब्लम हो सकता है और वो अलग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, सब कुछ मैं विस्तार से आपको बताऊँगा। इसीलिए आप ये वीडियो कुछ भी पोजिशन स्किप मत कीजिए। चलिए, मैं ये जो नॉर्मल पीसीबी है, ये नॉर्मल पीसीबी को फर्स्ट एक बार इसके अंदर कनेक्शन करके देखूंगा कि किस तरह पिक्चर आता है, और उसके बाद ये पीसीबी के बारे में पूरा डिटेल्स आपको देखूंगा। ठीक है, जो मार्केट का लोकल किट होता है। चलिए दोस्तों, देखिए ये स्टिक कैप मैं लगाया, बेस बोर्ड मैं लगाया अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब के अंदर। आप देख सकते हो इसका पीछे जो अल्ट्रा स्लिम, ये स्लिम है, बहुत ही पतला है। इसका योक कॉइल स्क्वायर है, और इसका पिक्चर ट्यूब आप देख सकते हो, और इसका जो चाइना पीसीबी है, ये नॉर्मल सा किट है। वो अच्छा करके मैं दिखाने के लिए मैं अभी इसी टाइम जो दिखाऊंगा कि ये जो पीसीबी है, मैं पूरा कनेक्शन किया। कनेक्शन करने का बाद आपको जो दिखाना चाहता हूँ कि ये जो ईएसटी का अलग अलग आउटपुट पॉइंट है, जो हॉरिजॉन्टल योक कॉइल का कनेक्शन होता है, तो मैं सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है, ये पिन पर मैं कनेक्शन किया। तो दोस्तों, ये कलेक्टर पिन है, जो आउटपुट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन। तो दोस्तों, ये सबसे यहाँ पर लगाने के बाद पिक्चर बड़ा हो जाता है, और क्या होगा कि ईएसटी हाई बनता है। ठीक है, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का ऑसिलेशन भी हाई हो जाता है। तो फर्स्ट मैं एक नंबर पिन पर लगाया। तो दोस्तों, उसका बाद हॉरिजॉन्टल योक कॉइल का जो आर एक दूसरा कनेक्शन मैं यहाँ पर किया, ये ब्लू वायर को। ठीक है, यहाँ पर रेड वायर लगाया, यहाँ पर ब्लू वायर लगाया। तो ये हॉरिजॉन्टल का दो पॉइंट है, तो कुछ भी पॉइंट पर आप लगा सकते हो, बट मैं सबसे नीचे लगाया, और आपको भी यहाँ पर लगा के टेस्ट करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट यहाँ पर लगाएगा तो इसी का रीजन से पिक्चर ट्यूब भी फॉल्ट हो सकता है। इसका रीजन जो है, मैं बोर्ड वीडियो के अंदर बताया। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा। और उसके बाद ये ग्रीन वायर और ये येलो वायर, ये वर्टिकल का दो पॉइंट है, यहाँ पर लगाया, ये वर्टिकल है, इसे आप देख सकते हो। ठीक है, और चलिए आपको कॉन्फर्म कर देता हूँ कि ये नॉर्मल सा पीसीबी है। फिर भी आप देखिए कि ये जो पीसीबी है, ये पीसीबी का ये जो आउटपुट सेक्शन, यहाँ पर देखिए दो पीएफ है, यहाँ पर जो पीएफ है 1.6 kV। ठीक है, यहाँ पर जो पीएफ है 1.6 kV पीएफ, और देखिए ये 1.6 kV वोल्ट पीएफ, और 912 मतलब 9.1 kV इसका वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पर आर एक पीएफ है, 400 वोल्ट का पीएफ है, और इसका 474 इसका पीएफ वैल्यू है, मतलब 470 के इसका पीएफ वैल्यू है। ठीक है, ये दो मेन पीएफ यहाँ पर
कनेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन का अंदर। बट दोस्तों आप जरूर देखा होगा कि अल्ट्रा स्लिम पीसीबी होगा तो इसका अंदर और बहुत कुछ एक्स्ट्रा पीएफ देखा जाता है, और ये ओनली आउटपुट ट्रांजिस्टर है वर्टिकल आईसीए हीट सिंक का पास और हीट सिंक का अंदर, और दोस्तों एक्स्ट्रा कुछ भी पार्ट्स नहीं है। और अल्ट्रा स्लिम पीसीबी होगा तो यहाँ पर जरूर एक मॉस्फेट देखने को मिल जाता है ये पोजिशन का अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर वो मॉस्फेट नहीं है, और जो ये जो कॉयल आप देखिए ये छोटा सा कॉयल है, बट अल्ट्रा स्लिम पीसीबी होगा तो इस तरह दो कॉयल देखने को मिलता है, ठीक है। तो मतलब ये नॉर्मल सा पीसीबी है, ठीक है। तो चलिए ये पीसीबी एक बार आपका सामने ही सप्लाई देके दिखाता हूँ क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मैं सीरीज लाइन से ही सप्लाई देता हूँ, ठीक है। ये सीरीज लाइन है, देखिए मैं सप्लाई दे देता हूँ, देखिए सप्लाई दे दिया। इसका इंडिकेटर अभी ऑन है और स्क्रीन पर आप फॉलो कीजिए, देखिए इसका स्क्रीन देखिए बहुत छोटा सा आ गया, देखिए इसका चारों साइड बहुत गैप है। आप अच्छा करके फॉलो करेगा तब देख सकते हो इसका चारों साइड बहुत गैप है। अब देखिए ये जो पिक्चर ट्यूब पूरा देखिए इसका चारों साइड बहुत गैप है, इस तरह ये आ रहा है। तो चलिए ये गैप जब होगा जब सप्लाई को मैं ऑफ कर देता हूँ, ऑफ करने के बाद कि आपको जो देखाऊंगा इसी टाइम कि आपका मन में लगेगा कि सर आप ये जो पॉइंट है ये पॉइंट को डायरेक्ट यहाँ पर लगाए कि पिक्चर बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह ट्राई काफ़ी आप मत कीजिए। तो चलिए मैं ये सेकेंड पॉइंट को छोड़ के मैं यहाँ पर लगाऊंगा जो ट्रांजिस्टर का पिन है, ये लगाने के बाद जरूर थोड़ा बढ़ेगा। तो चलिए मैं लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये रेड वायर को मैं ये सबसे नीचे पोजीशन से लेके मैं यहाँ पर लगाया, आप देख सकते हो। और फर्स्ट टाइम आपको देखाया कि मैं सीरीज लाइन से टेस्ट कर रहा हूँ, ये 200 वाट बल्ब है। तो अभी इसी टाइम फॉलो कीजिए और नॉर्मल सा जो लोड होता है ये पिक्चर ट्यूब का अंदर जो लोड पड़ता है पीसीबी कनेक्शन करने के बाद, वो देखिए अभी इसी टाइम कितना लोड आ रहा है इस सीरीज बल्ब से ही पता चल जाएगा। देखिए मैं सप्लाई दे देता हूँ, देखिए दोस्तों सप्लाई दे दिया, सीरीज बल्ब देखिए दोस्तों फुल ग्लो हो जाता है और पिक्चर साइज देखिए थोड़ा बढ़ गया, अब देख सकते हो। और ईएसटी का कैप का अंदर देखिए थोड़ा सा फायरिंग आ रहा है और सीरीज बल्ब देखिए फुल ग्लो हो गया लोड का बजाय, और इस तरह ये हो गया। चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों मतलब मैं डायरेक्ट लाइन से दूंगा तो ये पूरा तो फुल नहीं हो रहा है, और इसी का ये जो पीसीबी है इसका अंदर लोड भी आ जाता है और इसी का रीजन से इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इसीलिए दोस्तों ये पीसीबी को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। किस तरह मॉडिफाई करना पड़ेगा तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप यहाँ पर फॉलो कीजिए। आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पीसीबी है, ठीक है, ये जो पीसीबी है यहाँ पर देखिए दो पीएफ है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं बहुत क्लियर करके दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि ये पीसीबी के अंदर देखिए दो पीएफ लगाने का निशान है। देखिए यहाँ पर एक पीएफ है, बूस्ट पीएफ 1600 वोल्ट वाला पीएफ है, और यहाँ पर भी आप एक पीएफ लगा सकते हो। और ये जो पीसी पोजीशन यहाँ पर देखिए एक पीएफ है जो 400 वोल्ट वाला पीएफ, और ये पोजीशन पर भी एक पीएफ लगाने का पोजीशन है। तो मैं आसानी से यहाँ पर पीएफ लगा सकता हूँ। तो कौन सा वैल्यू पीएफ लगाना पड़ेगा, आपको ये पीएफ का वैल्यू दिखाया, तो ये जो 1600 वोल्ट 1.6 केवी जो पीएफ है, ये सेम वैल्यू का पीएफ 9.1 के, तो ये सेम वैल्यू का एक पीएफ यहाँ पर लगाऊंगा। और ये जो पीएफ है ये पीएफ का सेम वैल्यू पीएफ मैं यहाँ पर एक लगाऊंगा, ठीक है। तो ये जो पोजीशन पीसीबी उल्टा करके भी आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। चलिए आप अच्छा करके ये पोजीशन को फॉलो कीजिए कि ये जो 1600 वोल्ट वाला बूस्ट पीएफ होता है, ये हार्ड टाइम ये जो ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन जो कलेक्टर पिन होता है इसी का साथ देखा जाता है जो नेगेटिव का साथ। दोस्तों यहाँ पर वो पीएफ है, ये पोजीशन ब्लैंक है, तो यहाँ पर मैं सेम वैल्यू का एक पीएफ लगाऊंगा। और ये जो ऊपर पोजीशन जो पीएफ है 400 वोल्ट वाला पीएफ है, और ये पोजीशन एक पीएफ यहाँ पर है, मैं यहाँ पर सेम वैल्यू का दो पीएफ यूज़ करूँगा, ठीक है। तो और कुछ भी नहीं करूँगा। और ये जो लाइन देखिए दोस्तों, ये जो लाइन जा रहा है ये पीएफ का जो 400 वोल्ट का पीएफ है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल का जो आउटपुट कॉइल है, ये कॉइल से इसका ब्लू जो लाइन है इसका अंदर जा रहा है, मतलब यहाँ से आउटपुट हो रहा है, ठीक है। बीच में एक
पैरेलल रेजिस्टेंस है ये कॉयल का साथ, ठीक है, ये कॉयल है। और दूसरा जो लाइन है ये जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन जो मिडिल पिन है ये दूसरा लाइन है, ये दूसरा लाइन का साथ नेगेटिव का साथ जो पीएफ है ये पीएफ। और ये जो सेकेंड लाइन है ये लाइन का साथ दोस्तों ये जो नेगेटिव का साथ पीएफ है ये पीएफ। मैं एक्स्ट्रा और एक एक पीएफ लगा के आपको देखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों देखिए, मैं ये टेस्ट करने के लिए और आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर दो पीएफ लगाया है। जिस तरह मैं आपको बताया उसी तरह सेम तरीक़े से मैं ये दो पीएफ को लगाया। अब देखिए ये जो 400 वोल्ट वाला पीएफ है ये पोजीशन पर, इसका ऊपर से इसका सेम पोजीशन पर मैं लगाया, ठीक है, ये देखिए। और ये जो बूस्ट पीएफ है 1600 वोल्ट वाला बूस्ट पीएफ 9.1 के, ये देखिए ये पोजीशन पर एक पीएफ है, मैं ऊपर से और एक पीएफ लगाया, ठीक है। और लगाने के बाद ये जो रेड वायर आप देखिए जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन का साथ कनेक्शन, आपको लास्ट टाइम चेक करके दिखाया कि ये पोजीशन पर ये वायर लगाने के बाद ये पीसीबी के अंदर इतना लोड आ जाता है कि उसी का रीजन से सीरीज बल्ब दोस्तों फुल ग्लो हो जाता है और ईस्टिका कैप से हाई स्पार्किंग टाइप आवाज़ निकलता है। तो अभी देखिए मैं अभी इसी टाइम एक बार सप्लाई देके देखूंगा कि क्या रिजल्ट आता है। मैं ये वायर को अभी चेंज नहीं किया है, तो चलिए मैं आपका सामने सप्लाई देके देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। देखिए दोस्तों सप्लाई दे दिया, सीरीज बल्ब देखिए हल्का सा ग्लो हो रहा है, स्क्रीन पर आप फॉलो कीजिए ये पूरा दोनों साइड स्क्रीन फुल हो गया। और ईएसटी पोजीशन आप देख सकते हो, ईएसटी का जो हाई स्पार्किंग चरक चरक जो चरमर जो आवाज़ वो भी नहीं है, मतलब ये पूरा कूल है। आप अच्छा के फॉलो कर सकते हो, ओनली मैं दो पीएफ यहाँ पर यूज़ किया। तो आपको स्क्रीन को और अच्छा करके दिखाना चाहता हूँ, आप अच्छा करके देखिए। इसका राइट साइड थोड़ा सा गैप लग रहा है, तो दोस्तों ये थोड़ा सा गैप आप सर्विस मोड से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आपको एक बार मेनू चार्ट ओपन करके दिखाना चाहता हूँ रिमोट लेके। मेरा पास रिमोट है और इसका सेंसर कनेक्शन भी है, तो चलिए एक बार मेनू बॉटम मेनू चार्ट पुश किया और आप इसका सेटिंग भी देख सकते हो। इसका जो ये चारों कोना भी एडजस्ट ओके है, इसका मिडिल पोजीशन जो पिक्चर का साइज ओके होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो ओएसडी है, ओएसडी का साइज़ देखिए पूरा स्ट्रेट है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसका हाइट तो दोस्तों ये सबका पता है कि हाइट को कुछ भी टीवी का अंदर आप इंस्टॉल करेगा तो न्यू पीसीबी आपको हाइट को एडजस्ट करना पड़ता है सर्विस मोड से। तो चलिए मैं सर्विस मोड ओपन करके आपको हाइट एडजस्ट करके एक बार दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों आपका सामने मैं सर्विस मोड ओपन किया और चलिए मैं हाइट को आपको बढ़ा के दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों मैं हाइट को फुल कर दिया, तो आप ये आसानी से एडजस्ट कर सकते हो। बट ये पोजीशन पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सर्विस मोड से एडजस्ट किया, ईएसटी को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं ईएसटी को थोड़ा एडजस्ट किया, अभी इसी टाइम दोस्तों देखिए ईएसटी एडजस्ट करने के बाद इसका जो ओएसडी देखिए ओएसडी का थोड़ा सा बैंड लग रहा है, ये बैंड हो गया, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा रीजन है कि जब इस तरह बैंड हो जाएगा तो आप नॉर्मल जो पीसीबी है ये पीसीबी का ये बैंड को आप सही नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका अंदर जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन को जो वाइड होता है। तो दोस्तों ये सर्विस मोड का F1 पेज है। चलिए मैं दो नंबर पेज ओपन करके दिखाता हूँ और तीन नंबर पेज ओपन करके आपको दिखाता हूँ और दोस्तों चार नंबर पेज ओपन करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये चार नंबर पेज पर जो वाइट कंट्रोल होता है, जो अल्ट्रा स्लिम टीवी के अंदर रहता है, वाइट कंट्रोल सिस्टम इसके अंदर नहीं है। बट अलग सा कॉपी मेमोरी लगाएगा तो ये चार नंबर पेज पर वाइट एडजस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, बट दोस्तों वाइट एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका अंदर ये आईसी का अंदर एक वाइट एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर अलग से सर्किट रहता है, तो ये पीसीबी का अंदर वो सर्किट नहीं है। तो उसी का रीजन से आपका चारों साइड आप सही एडजस्ट नहीं कर सकते। बट आप पिक्चर देखे देखेगा तो पिक्चर
लगेगा कि सही आ गया, बट दोस्तों टेक्नीशियन का जो आँखों में वो सही नहीं है। तो चलिए आपको पिक्चर देके भी देखूँगा। सर्विस मोड में आउट कर दिया, आपको दोबारा मेनू चार्ट पुश करके दिखाता हूँ। देखिए मेनू चार्ट भी थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं, अभी एक बार पिक्चर देख के आपको दिखाता हूँ कि पिक्चर किस तरह आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं एक हाथ से कैमरा कर रहा हूँ इसलिए अलग सा पिक्चर लगाने के लिए। और दोस्तों अभी तक देखिए इसका सीरीज बल्ब देखिए कितना हल्का सा जल रहा है, ठीक है, ये भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जो आपको फर्स्ट टाइम दिखाया पीएफ लगाने का पहले, ये सीरीज बल्ब तुरंत ग्लो हो जाता है। तो चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ, ऑफ करने के बाद आपको पिक्चर देख के दिखाता हूँ। और दोस्तों और कुछ आपको बताने के लिए मैं कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अभी मैं इसी टाइम ऑडियो वीडियो सिग्नल इनपुट कर दिया, करने का बाद चलिए मैं आपको स्क्रीन का अंदर पिक्चर देख के दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों पिक्चर का कुछ भी प्रॉब्लम नज़र में नहीं आएगा, ये नॉर्मल आँखों से बार। दोस्तों आपको चलिए मैं ये लाइट का बजाय पिक्चर कैमरा थोड़ा ब्लर हो जाता है आपको दोबारा दिखाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो आप अच्छा करके फॉलो कीजिए। पिक्चर देखिए बिल्कुल ओके लग रहा है, बट दोस्तों टेक्नीशियन का आँखों में ये थोड़ा प्रॉब्लम है इसके अंदर, जो नॉर्मल क्या बताऊँगा, जो नॉर्मल आदमी ये इसका प्रॉब्लम पता नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो वीडियो के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया, आपको और कुछ थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ कि तो दोस्तों अभी देखिए ये सीरीज बल्ब हल्का सा जल रहा है और स्क्रीन का अंदर लाइट का बजाय ये सीरीज बल्ब हल्का सा ग्लो करेगा। तो चलिए आपको डायरेक्ट सप्लाई देके भी एक बार दिखाना चाहता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, देखिए डायरेक्ट लाइन दे दिया और सप्लाई दे दिया, और आप स्क्रीन पर फॉलो कीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, पर दोस्तों सर्विस मोड से और थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं दोबारा सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों ये नॉर्मल जो पीसीबी है आपको और क्लियर करने के लिए ये पीसीबी को उल्टा करके भी आपको दिखाना चाहता हूँ। इसका अंदर मैं कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया, कुछ भी चेंज नहीं किया, जिस तरह ये पोजिशन पर है यहाँ पर सेम पोजीशन है, सेम पीएफ है, और कुछ भी पार्ट्स में चेंज नहीं किया। ठीक है, आप अच्छा करके देख सकते हो। इसी टाइम दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर अभी पूरा कूल है, कुछ भी हीट नहीं हो रहा है। ठीक है, बट ये जो वर्टिकल आईसी है ये बहुत हीट हो रहा है, क्योंकि इसका अंदर जो वर्टिकल आईसी है 78040 का वर्टिकल आईसी है। तो दोस्तों सबका पता है कि 78040 का जो वर्टिकल आईसी और 780 का बाद जो 78041 लास्ट नंबर 45 इस तरह जो आईसी उसका वोल्टेज थोड़ा हाई होता है और वो अल्ट्रा स्लिम पर यूज होता है। पर दोस्तों अल्ट्रा स्लिम का जो योक कॉइल ये सबसे बड़ा होता है, इसका लोड भी ज़्यादा लेता है, तो इसीलिए ये वर्टिकल आईसी को आपको चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह नॉर्मल पीसीबी आप यूज़ करना चाहता हो तो आप यहाँ पर 78041 78045 इसी तरह अलग हाई वाट का आईसी यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो ये आईसी दो घंटा तीन घंटा के बाद ये फट जाएगा, हो सकता है एक दिन दो दिन का बाद फट जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप नॉर्मल सा पीसीबी अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब पर लगाना चाहता हूँ तो बार दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ ये 21 इंची का पिक्चर ट्यूब है, इसका योक कॉइल बड़ा है। छोटा सा अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब होगा तो उसका योक कॉइल छोटा होता है, अधिक टाइम देखा जाता है कि जो मैं एक्स्ट्रा पीएफ लगाया वो लगाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, बट आप इसी तरह पीएफ लगा के छोटा सा अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब होगा तो आसानी से ये पीसीबी को आप इंस्टॉल कर सकते हो। बट वर्टिकल आईसीयू को आप ज़रूर चेंज कर दीजिए तो इसका ये जो पीसीबी है इसका लॉन्गजिविटी बहुत बढ़ जाएगा। और दोस्तों आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि अल्ट्रा स्लिम पीसीबी के अंदर जो फर्क आपको वीडियो के अंदर बताया, तब भी आप बताएं कि ये आईसी से एक सिग्नल आउटपुट होता है जो दोस्तों अल्ट्रा स्लिम चैसिस के अंदर एक ईस्ट वेस्ट सेक्शन होता है। ठीक है, जो ईडब्ल्यू सेक्शन बोला जाता है,
तो उस सेक्शन का अंदर एक सिग्नल जाता है ये मेन प्रोसेसर आईसी से, आपको पता है तो आप कमेंट करके बातें ये आईसी का कौन सा पिन से वो सिग्नल आउटपुट होता है। बट दोस्तों नॉर्मल पीसीबी के अंदर वो पिन ब्लैंक रहता है, हो सकता है अलग से पीएफ नेगेटिव के साथ कनेक्शन रहता है, इस तरह कनेक्शन ये जो 888 का आईसी होता है ये आईसी से उस तरह उसका कनेक्शन दिखा जाता है। ये आईसी नंबर भी आप देख सकते हो 8873 का ये आईसी है। ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट करते रहिए और आप चाहे तो उस वो जो सेक्शन है उसका ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हूँ, आप चाहे तो मैं फिर भी और क्लियर करके ओनली सेम वो जो सिग्नल लाइन है इसका अंदर से जो ईस्ट वेस्ट सिग्नल को कंट्रोल किया जाता है तो उसका ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो पूरा आज करने के लिए।